मुंबई में इंडिया गठबंधन की दो दिवसीय मीटिंग आज खत्म हो गई, लेकिन मुंबई की इस बैठक में जो फैसले लिए गए उससे सबसे बड़ी बात यही निकलकर आई कि इंडिया वालों में सीट शेयरिंग को लेकर बात शुरू हो गई है। 2022 के लोकसभा चुनाव में इंडिया का नारा भी तय कर दिया गया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इसी नारे के साथ इंडिया के 28 दल सीधे मोदी से टकराएंगे। लाइन क्लियर है कैसे मोदी पर अटैक करना है। आज लालू प्रसाद यादव जब इंडिया के मंच पर आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की रेल चला दी। इंडिया वालों की तीसरी बैठक की ये तस्वीर मुंबई से रिलीज हुई है। 28 दलों के 55 नेता एक फ्रेम में हैं। इंडिया वालों ने ये ग्रुप फोटो इसलिए रिलीज की है ताकि वो सीधा पीएम मोदी को बता सकें कि आने वाले चुनाव के लिए इंडिया वाले तैयार हैं। ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई मतभेद है, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि इंडिया वालों का मुंबई में मिलन हुआ तो क्या क्या तय हुआ, इस मीटिंग की बड़ी बातें क्या निकल कर सामने आई है। गठबंधन की थीम तय हो गई है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इस बैठक में तीन प्रस्ताव पास हुए हैं, सीट शेयरिंग, जनहित पर संयुक्त सभाएं और कोऑर्डिनेशन कमेटी। इंडिया गठबंधन में फिलहाल कोई संयोजक नहीं होगा। इंडिया गठबंधन का लोगो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। दो दिन की मीटिंग के बाद मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर आते हैं और बारी बारी से पीएम मोदी पर अटैक करते हैं। यानी एजेंडा एक है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना है। लेकिन आज इंडिया के मंच पर जिस नेता ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी या फिर कहें कि मंच के महारथी बने, वो थे लालू प्रसाद यादव। छठे नंबर पर लालू प्रसाद यादव बोलने आए, लेकिन उन्होंने अपने हर एक शब्द से पीएम मोदी पर प्रहार किया। हम शुरू से ही लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भा मने भाजपा मने पार्टी बोलते रहते थे। इस देश माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी बढ़ रही है, 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज में। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे, और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 1500 गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं, एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। लालू यूपीए सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं, जब उनकी प्रहार एक्सप्रेस चली तो फिर नहीं रुकी। उन्होंने इंडिया के मंच से मोदी को हटाने का संकल्प लिया तो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर भी पीएम मोदी पर तगड़ी चुटकी ले ली। हम लोग डरने वाले नहीं है, 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अभी काफी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ, पहुंच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। सचमुच में
देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाए। कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में सीबीआई में ये ना फंसाया हो, सबको फंसा के। ये हम देखते थे पहले के जमाना में, सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे, वो इनकी आदत हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमले के साथ साथ इंडिया के मंच से ये भी बता दिया कि गठबंधन के सभी दल राहुल गांधी के साथ हैं और आगे इंडिया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देश के सामने रखेंगे। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट होकर के सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। मुंबई की बैठक में ही तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन की अगली 4-5 बैठकें और रखी जाएंगी और उसके लिए समन्वय समिति तेजी से काम करेगी। मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आपने लालू यादव की प्रहार एक्सप्रेस देखी, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मुंबई में इंडिया वालों का जोश हाई दिखा। राहुल गांधी ने भरे मंच से कह दिया कि इस गठबंधन के लोग 60% हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये एकजुटता बताती है कि मोदी तो आने वाले चुनाव में हराना मुमकिन है। राहुल गांधी ने अडानी पर फिर एक बार प्रहार किया। इंडिया के मंच पर पीएम मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी खूब बरसे। मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी समन्वय समिति बना दी गई है और यही कमेटी 30 सितंबर तक लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। बैठक में ये भी तय किया गया है कि इंडिया की ओर से सभी कम्युनिकेशन, मीडिया रणनीति और कैंपेन की थीम अलग अलग भाषाओं में की जाएगी। लेकिन इंडिया वालों का एजेंडा क्या होगा, किस तरह से उनका चुनाव प्रचार होगा, किस तरह से वो जनता के बीच में जाएंगे, इस बैठक के बाद ये पिक्चर भी पूरी तरह क्लियर हो गई। राहुल गांधी जिस तरह से अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं, मुंबई के मंच से भी राहुल गांधी की लाइन क्लियर दिखी। राहुल गांधी इंडिया वालों में जोश भर रहे हैं और ये दावा ठोक रहे हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं
जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी। राहुल गांधी ने मुंबई में इंडिया वालों के मन से बीजेपी को घेरा तो दिल्ली में बीजेपी ने भी उन पर सीधे हमला बोला। इन लोगों ने किसी भी तत्व में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा, ये है इनकी बिसात। आज हम देश को दोबारा बताना चाहते हैं। लेकिन इंडिया वालों ने तय कर लिया है कि अब वो मन से एक ही भाषा बोलेंगे और सीधा पीएम मोदी को ही घेरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो गरीब, महंगाई और भ्रष्टाचार वाले तीखे प्रहार किए। इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर आर लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही रख, 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम कर, जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है। ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया वालों की मुंबई की बैठक ये बताने के लिए काफी है कि आगे की लड़ाई तगड़ी होने वाली है और मोदी को हराने के लिए इंडिया वाले पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।